गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 में 3 प्रश्न हैं और 4 का वो उधर वाला प्रश्न है। इसमें करना क्या है हमें कि इनको जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लेकर आना है। पी बटे क्यू की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, देखिए सबसे पहले तो हम सी संख्या को एक्स मान लेते हैं। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 0.66666 ऐसे चलता रहेगा, बार का मतलब आगे चलता जा रहा है। तो यदि मैं मेरे पास कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक 6 रिपीट हो रहा है, 6 बिल्कुल बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, एक ही हो रहा है, तो मैं 10 से गुना करूंगा। जब मैं 10 को x से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x, और यहां पर जब 10 से गुना करूंगा तो दशमलव एक स्थान पीछे चला जाएगा, अर्थात 1.6 बाहर आ जाएगा। बाकी जगह क्या बच जाएगा, 1.6 बाहर आ गया और बाकी जगह क्या बच गया, 6 6 6 6, उसी प्रकार अर्थात 10x बराबर क्या बच गया, इस 6 को मैंने अलग कर दिया, इसको ये बच गया 0.66666, ये चलता ही रहेगा। और ये हमारे पास क्या था, ये माना था हमने, ये देखो ये रहा क्या माना था x, तो 10x बराबर कितना बच गया 6 जमा इसकी क्या रख दिया x, ठीक है। अब इस x को इधर ले आए 10x, ये x इधर आके माइनस का हो गया इधर 6, 10x में से एक x गए 9x बराबर 6, और x बराबर क्या बच जाएगा 6/9, और काट सकते हैं 2 × 3 × 6 और 3 × 9, ठीक है, समझ आया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम मान लेते हैं क्या है y, अब इसके अंदर 7 रिपीट हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखें, 7 बार बार आ रहा है, 4 बार बार नहीं आ रहा, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम उसी प्रकार 10 से गुणा करते हैं, एक बार इसको 10 से यदि हम गुणा करेंगे तो 10y मेरे पास कितना हो जाएगा 1.4 बाहर आ जाएगा, और ये 7 बार का मतलब 7 7 7 7, इसी प्रकार, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 10y बराबर है 4.3 × 0.4777। अब ये 0.477 कैसे आ गया, यदि मैं यहां पे 0.477 में 4.3 जोड़ूंगा ये चलता रहेगा ना, तो यहां से जोड़ना शुरू किया तो 7 7 ही आएगा लास्ट में, 4 और 3 भी 7 हो गया। ये देखो हमारे पास यही संख्या आ रही है बिल्कुल, तो इसको मैंने इसके रूप में तोड़ दिया है, तो मेरे पास 10y अब कितना बच गया 4.3 जमा ये सारा क्या माना था y माना था हमने। अब ये y को इधर ले आओ 10y, ये माइनस का y हो गया इधर 4.3, तो 9y बराबर कितना बच गया 4.3, और y बराबर कितना बच गया 4.3/9, और 4.3 की दशमलव काट दें, दशमलव के नाम की 1 0 अर्थात 10 नीचे आ गया, तो y बराबर मेरे पास कितना हो गया 43/90, ये आंसर आ गया। अब इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं x, कुछ भी मान सकते हैं हम चर के रूप में, x y z a b c d, तो ज्यादातर हम x लेते हैं, तो इसलिए यहां पे भी x ले लिया। अब ये कितने अंक हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, अर्थात x 0.001 0.01 0.01 ऐसे चलता रहेगा, तो 3 रिपीट हो रहे हैं, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 1000 से, बिल्कुल सही 1000 से गुणा किया x को, तो यहां पे मेरे पास ये 1 बाहर आ जाएगा, ये पूरी बाहर आ गया, आगे वाले 0 को तो लिखो या ना लिखो 0.01 फिर 0.01, ये तो चलता ही रहेगा। अब इसको मैं लिखूंगा 1000x बराबर 1.0001 का बार, ये तो आएगा ही, ये 1 अलग ले लिया मैंने, ठीक है, तो 1000x बराबर 1 ये सारा क्या हो गया x हो गया, x ही माना था ना। अब इस x को इधर ले आओ 1000x माइनस x हो गया, इधर 1 आ गया, ये आ गया 999, x बराबर 1 और यहाँ x बराबर 1/999 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे इस प्रकार निकल जाएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को भी देख लेते हैं, बहुत ही अजीब प्रश्न है ये, क्योंकि जब इसके परिणाम आएंगे तो बहुत ही अचंभित आप होंगे कि 0.9999 का मान क्या आता है परिमेय संख्याओं के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। मान लिया हमने क्या x अकेला 9 ही रिपीट हो रहा है, तो किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 10x मेरे पास कितना आ गया 9.999 चलता रहेगा, अर्थात 10x बराबर क्या आ गया, इस 9 को अलग कर दूंगा मैं जोड़ में 0.999 चलता रहेगा, और ये हमारे पास क्या है x ही है, तो 10x बराबर 9 जमा x। अब इस x को इधर ले आओ 10x इधर, ये x घटा दो गया इधर 9 बच गया, 10x में से x गए 9x बराबर 9, और x बराबर क्या आ गया 9/9, 9 को 9 से भाग देंगे 1, x का मान क्या आया 1। अब देखिए हमारे पास संख्या थी 0.9999 या 9 बार, और उत्तर उसका कितना है अपरिमेय संख्याओं में
एक आया है, क्योंकि 0.99999 के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल का मतलब इतना करीब है कि उसको प्रमेय संख्याओं में हम लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब अपने आप बिना देखे इनको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।